गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड, ओके। एज यू नो, टुडे वी विल स्टार्ट अवर PT3 सिलेबस, ओके। सो इन मैथ्स टुडे वी विल स्टार्ट अवर ज्योमेट्री पोर्शन, ओके। आज से हम अपना मैथ्स में ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो चैप्टर 8 वी विल हैव टुडे, चैप्टर 8, ओके। इन चैप्टर 8 वी विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट पॉइंट, लाइन एंड प्लेन फिगर्स। आज हम ज्योमेट्री में पॉइंट, लाइन एंड प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। उनके डिटेल्स में जाएंगे कि ये सब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। वी हैव सीन द क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट लाइक बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रिक्स एक्सेट्रा। आप सबने बहुत सारे वैसे तो शेप्स के बारे में पढ़ा होगा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सो मेनी शेप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्यूब, कोन। आज हम एक और शेप के बारे में पढ़ेंगे जो है क्यूबॉइडल। क्या है क्यूबॉइडल? जो क्यूब से की तरह ही होती है, लुक हियर, ऐसी होती है, ठीक है। क्यूबॉइडल ऐसी होती है, तो इसी तरह का आपका बॉक्स भी होता है, इसी तरह की आपकी बुक्स भी होती है, इसी तरह की आपकी ब्रिक्स भी होती है, ईंटें होती है ना, जो ऐसी ही होती है, कई तरह की चीजें ऐसी होती हैं क्यूबॉइडल शेप में। सो इसमें क्या क्या होता है हमारे पास क्यूबॉइडल में? पॉसेस, वर्टिसेस, कॉर्नर्स, मतलब इसके कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर मतलब इसके कोने, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? वर्टिसेस, कॉर्नर्स इसके कहलाते हैं। एजेस होती हैं इसकी, ठीक है, एजेस होती हैं और इसके फेसेस होते हैं। एजेस मींस क्या होती है? जहाँ पे ये टू लाइंस क्या करती हैं? मीट कर रही होती हैं, ऐसे मिल रही होती हैं, वो इसकी लाइन सेगमेंट जितने भी हैं ये इसकी एजेस कहलाते हैं, ठीक है। और इसके क्या होते हैं? फेसेस होते हैं। फेस मतलब फ्रंट, बैक। सो इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्या होते हैं? इसके फेसेस होते हैं क्यूबॉइडल शेप में, ओके। कोई भी क्यूबॉइडल शेप या फिगर होती है तो समझे। सो द वर्टिसेस, वर्टिसेस को हम क्या कहते हैं? कॉर्नर्स, इसके पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। द एजेस आर द लाइन सेगमेंट, जैसे मैंने बताया जितने भी एजेस होंगे वो क्या कहलाते हैं? लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट होते हैं ये, ठीक है। द फेसेस आर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्यों कहा गया है? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल में मैच नहीं करती, तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। दीज आर प्लेन फिगर्स, और ये क्या होती है? एक प्लेन फिगर होती है, समझ में आई? कम, ओके। सो अब हम पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट क्या होता है हमारा? पॉइंट, अ डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, मतलब कोई भी डॉट होता है, लाइक ऐसे कोई भी डॉट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पॉइंट, ठीक है। जैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे ये, ठीक है, वो पॉइंट होता है। इट इंडिकेट्स अ डिफाइंड लोकेशन और अ पोजीशन, ठीक है। एक निश्चित, एक कोई भी अगर हम लाइन खींच रहे हैं तो वो एक बिंदु से शुरू होगी, दूसरे बिंदु पे खत्म होगी, तो उसकी निश्चित, उसके फिक्स्ड पॉइंट को दिखाता है बिंदु, ठीक है, उसकी पोजीशन को दिखाता है। इट हैज नो लेंथ, ये जो डॉट होता है इसकी क्या कोई फिक्स लेंथ होती है? नहीं, एक एक ही जगह पे ये डॉट होते हैं, इसकी कोई लेंथ या ब्रेथ या थिकनेस नहीं होती है, ठीक है। इट इज नेम्ड बाय द कैपिटल लेटर, और जब हम कहीं पे भी डॉट लगाते हैं तो उसका हम नाम दे सकते हैं, ए बी सी एक्सेट्रा, ओके। ये पॉइंट है। लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है वगैरह? मेक टू पॉइंट ए एंड बी एंड ज्वाइन देम विद द हेल्प ऑफ रूलर। रूलर क्या होता है हमारा? स्केल होता है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि कोई भी आप दो डॉट लीजिए, एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, फिर उसको क्या कीजिए आप? स्केल, ये जो रूलर है हमारा, इसकी हेल्प से क्या कर दीजिए? उसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? मिला दीजिए, ठीक है। तो ये जब हम इसको स्केल की हेल्प से ऐसे करके मिलाएंगे तो ये जो हमारे दो पॉइंट्स आएंगे, ये जो हमने, हम मैं तो ऐसे मिला रही हूँ, ठीक है, आप स्केल की हेल्प से मिला रही, ये ए और बी, ये हमारे क्या आ जाएंगे? दो पॉइंट्स आ जाएंगे, ओके। जैसे यहाँ पर बने हुए हैं ये ए और बी, ठीक है। सो ऐसे दो पॉइंट्स हमने लगाए, उनको बीच से ज्वाइन कर दिया रूलर की मदद से, स्केल की मदद से, और वो हमारा क्या बन गया? ये लाइन सेगमेंट बन गई, ठीक है।
इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, अलाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, इसके ये टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। अलाइन सेगमेंट हैज अ डिफाइनाइट लेंथ, मतलब इसकी एक निश्चित एक फिक्स्ड वो होती है, लेंथ होती है, यानी आप कहीं से भी इसको कैसे भी बढ़ा सकते हैं, एक फिक्स्ड होती है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है, एक निश्चित लेंथ होती है, फिक्स्ड। अब लाइन पे आ जाइए, अलाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड इनडिफाइनेटली एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड अ लाइन, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि बढ़ती चली जाती है दोनों साइड से, चाहे हम इसको इस साइड से बढ़ा दें, चाहे हम इसको इस साइड से बढ़ा दें, दोनों साइड से एंडलेसली, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, ये बढ़ती चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। जैसे ये वाली के तो दो एंड पॉइंट्स थे, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, ये दोनों तरफ से बढ़ती चली जाती है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता, इट हैज नो डिफाइनाइट लेंथ, इसकी कोई निश्चित कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। रे, ओके, अब रे क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनडिफाइनेटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे, एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट तो होता है लेकिन दूसरे पॉइंट से, मतलब दूसरे एक ही डायरेक्शन से बढ़ती हुई आगे आगे चली जाती है, ये तो दोनों तरफ से बढ़ रही थी, पर रे जो होती है वो एक ही साइड से आगे आगे बढ़ती जाती है, इनडिफाइनेटली मतलब कोई निश्चित नहीं, एक ही ये दोनों तरफ से बढ़ती थी, ये एक ही तरफ से अनिश्चित, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है, एक ही तरफ से बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। ये जैसे बनाया है, इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है जहां से शुरू होती है, जो हम स्टार्ट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट होती है जहां से, एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन डायरेक्शन बी, और बी वाले डायरेक्शन में आगे से कहीं से भी बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है, ओके। रे की क्या प्रॉपर्टी है, अरे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसका एक ही एंड पॉइंट होता है, क्योंकि ये एक जगह से शुरू होती है, दूसरी जगह से आगे आगे बढ़ती जाती है। इट हैज नो डिफाइनाइट लेंथ, इसकी कोई भी, इसकी भी क्या होती है, कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ नोन लेंथ, अभी क्या है, वो कह रहा है कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है, ठीक है, क्या कह रहा है, टेक अ रूलर, वही वो कह रहा है कि अपना रूलर लो, अपना स्केल लो और पेंसिल को शार्प करो, ठीक है, इस पेंसिल को शार्प करके फिर क्या करना है, आपने जहां पर भी है वहां पर क्या करना है, ये रूलर स्केल लेकर क्या करनी है, एक लाइन खींचनी है, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। आप देख रहे हैं स्केल में 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें एक पॉइंट से लेकर के कहां तक, 6 सेंटीमीटर तक हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको बहुत सारे डिजिट दी जाएंगे कि 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये कहाँ तक है आपका, 15 सेंटीमीटर की आप इसमें लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। वही कह रहे हैं कि रूलर की मदद से आपको क्या करना है, ठीक है, जीरो से मार्क, जैसे मैंने बताया 0 से स्टार्ट होता है रूलर में और फिर आप 15 तक आगे जाता रहता है, आप कहीं से भी 0 से स्टार्ट करके और 15 तक बना सकते हैं, जितना आपको, जिससे इसमें तो 6 सेंटीमीटर मेंशन है, आप 6 सेंटीमीटर बना सकते हैं। लेट्स दिस पॉइंट बी क्यू, एक को आप पी बना लो जहां से स्टार्ट करते हो और दूसरे को आप उसको क्यू बना लो, ओके। फिर वो कह रहे हैं मेजरिंग द लाइन सेगमेंट, क्या कह रहे हैं, आपको मेजर करनी भी आनी चाहिए, जैसे आपको कोई भी एक सिंपल सी लाइन खींच के दी हुई, उसके दो पॉइंट्स बना रखे लेकिन आपको मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, स्केल को क्या करोगे, जो पॉइंट है पहले पॉइंट पे रखोगे, 0 आना चाहिए वहां पे, और जहां तक तो वो लाइन खत्म हो रही वहां तक रूलर रखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइन जो है वो कितनी सेंटीमीटर की है, ठीक है। सो इस तरह से हम लाइन को मेजर कर सकते हैं, कि कोई भी लाइन हमें गिवन है, अगर दी हुई है, तो हम उसको रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से, हम उसको एक पॉइंट से 0 पे रख के और दूसरा पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, इस तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी हम एक और तरीके से हम अपनी लाइन को मेजर कर सकते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड अ डिवाइडर। रूलर क्या होता है हमारा, स्केल, और डिवाइडर क्या होता है हमारा, ये कंपास, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जिसको आप प्रकार भी कहते हैं, ये क्या है, कंपास, ठीक है। इसकी हेल्प से भी आप अपनी लाइन को मेजर कर सकते हैं, ओके। कैसे कर सकते हैं,
लाइक ये हमें लाइन दे रखी है ओके। आपका ये जो कंपास है, ये जो आपका कंपास या प्रकार जो भी आप कह सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसके दोनों आर्म्स को ओपन करेंगे ठीक है। ओपन करके जहां पर वो हमारी लाइन है जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया है, इसको हम प्रकार को इस तरीके से उस लाइन के ऊपर रखेंगे और इसकी आर्म्स को उतना ही खोलेंगे जितना की ये लाइन है। फिर इस कंपास को केयरफुली बिल्कुल उतने का उतना ही उठा के हम क्या करेंगे, रूलर जो हमारा स्केल था उसके जीरो पॉइंट से जहां तक उसकी आर्म मतलब हमने मेजर की थी लाइन को वहां तक रखेंगे, तो हमें जहां तक भी वो उसकी आर्म पहुंचेगी वो हमारा करेक्ट मेजरमेंट होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दी हुई थी कंपास की, आर्म्स को हमने खोल करके क्या करा वहां तक रखा और केयरफुली उठा के हमने रूलर में इसको मेजर किया तो हमारी लेंथ कितनी आई, ए बी ए जो थी लाइन वो हमारी 3 सेंटीमीटर की आ गई ओके। सो आपको बहुत ही केयरफुली एक बार फिर से इस चैप्टर के पॉइंट्स जितना मैंने आपको टॉपिक समझाया पॉइंट टू पॉइंट एक बार आप फिर से इनकी प्रॉपर्टीज सबके पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो ही आपको ये आएगा।